सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट क्या करना था, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है, हमने किया था ए क्रॉस बी। नेक्स्ट है प्रूव दैट वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या करेंगे पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या गया जीरो तो वो पैरेलल, अगर नहीं आया तो नॉट पैरेलल। कितने लोगों का आ गया पैरेलल? आ गया, ठीक। नेक्स्ट है अगर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कितने लोगों को डाउट है इसमें? क्या किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर? नहीं, मैंने मना किया था। क्या करना है? ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसे ओपन करके अपने आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ये दो वेक्टर्स हैं, आपको ये देखना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये दो वेक्टर्स आपस में अगर पैरेलल हैं तो क्या करेंगे, इन दो वेक्टर्स का क्या लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, तो आंसर अपने आप ए की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कितने लोगों का हो गया? क्या किया? सबसे पहले एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी करके जो सी वेक्टर आएगा वो क्या होगा, वो ए बी दोनों के साथ क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको क्या करना है उसका क्या वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यानी कि क्या करेंगे, एक बार आप क्रॉस प्रोडक्ट करके सी वेक्टर निकाल लें, फिर अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक थर्ड वेक्टर निकालना पड़ेगा, वो जो थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर आपसे पूछा गया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर एंगल निकालना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और कौन सा एंगल निकालना है, साइन साइन एंगल निकालना है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर साइन ऑफ एंगल निकालना है, तो बोलो क्या किया आप लोगों ने इसमें? हाँ, पहले आप नहीं ना, आप पहले इसका क्या निकाल लें, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, कॉस थीटा आ गया। फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, क्योंकि आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो ये पाइथागोरस लगा के क्या आएगा, साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। डायरेक्ट निकाल लें, चलो आप ये कह रहे हो कि आपने पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आपने ये किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ऐसे आंसर आया, ठीक है आ जाएगा। ये एंगल तो कैसे भी आ जाएगा ना, साइन से भी आएगा और कॉस से भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट से मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, उल्टा डॉट लगाओ ओरली डॉट हो गया, आई आई जे जे के कॉस थीटा कॉस मिनट में साइन, कौन करेगा आई कैप माइनस जे कैप के कैप फिर मैग्नीट्यूड निकाल, ये ज्यादा आसान नहीं है, कॉस थीटा ज्यादा आसान है, बाकी मर्जी है, साइन थीटा भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18, एक नया वेक्टर निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड 18 है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। तो अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो सबसे पहला काम इन दोनों का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो आपको जो नया वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 18, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसकी, सी वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो सी वेक्टर की जगह यहां पर क्या लिखेंगे सी कैप। तो क्या करेंगे इसमें 18 सी कैप, और सी कैप क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कहां से आएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, उसको यहां पुट करके आंसर आएगा, तो हो जाएगा सॉल्व ये, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 18,
फाइंड एरिया ऑफ पैरलोग्राम किया हमने, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक बार इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड। आंसर आई जे के में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड लेंगे, एरिया ऑफ पैरलोग्राम आ गया। क्लियर है सर? इसका आंसर 2√2 आ रहा है, पर नीचे आंसर रूट टू लिख रहा हूँ। है कि सही आंसर, यस सर। इसका आंसर क्या आ रहा है बाकियों का? रूट टू आ रहा है, 4√2। क्या 4√2 आ रहा है सौम्या? सर 4√2, 4√2, हाँ तो कुछ ऐसा ही आ यस रहा है। सर। ओके गलत है ये, फिर गलत है ये, इसमें टू, इसमें सिर्फ रूट टू लिखे। ओके सर। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमने पैरेललोग्राम का एरिया तो सुना, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फॉर्मड बाय पॉइंट्स ओ ए बी सच दैट ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर गिवन है। तो इसमें ये रहा आपके पास ओ ए वेक्टर, ये रहा आपके पास ओ बी वेक्टर, राइट? एक काम करें, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये वेक्टर, इसके पैरेलल ये वेक्टर। तो ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर यानी ये दोनों वेक्टर्स गिवन है, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लें। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कर लेना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो जो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया उसे क्या कर देना है आपने, जो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया उसको क्या करना है, हाफ से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ, हाँ क्योंकि हाफ करोगे तो अपने आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो क्लियर है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? तो पहले पैरेललोग्राम निकलेगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, कैसे किया? तो क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, आपको तीन वर्टिसेस गिवन है। पहले एक पॉइंट को समझो, पिछले क्वेश्चन पे रेफरेंस मैंने भी, मुझे भी देना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर वापस चलते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। ओ का मतलब समझते हो, ओरिजन। तो ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर ये ओरिजन है, अगर ये ओरिजन है तो ये इसका क्या वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और ये भी इसका क्या वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, राइट? जहां पर वर्ड ओ ए आ जाए तो वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर देता है। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही पूछा जा रहा है, पर ओरिजिन तो मेंशन ही नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, हाँ अब वो क्या कह रहा है कि ए बी सी मेरे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, ओरिजिन ना पूछो मुझे कहाँ पे है, तुम खुद देखो ओरिजिन कहाँ है, मैं तो ओरिजिन दे ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं हाँ मैं कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, -2, इसका कोऑर्डिनेट 1, -1, -3, और इसका कोऑर्डिनेट 4, -3, and 1। कह रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। अब दो मिनट के लिए अगर आप सोचो
कि ए के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो 3 i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2 k वेक्टर, ऐसे ही है। नाम क्या दूं इस वेक्टर का? ए वेक्टर? नहीं, कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर कि एसी वेक्टर कि ओए वेक्टर? ओए वेक्टर, क्योंकि जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट देख के, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? ओरिजिन। तो फिर कहेंगे ओरिजिन का है, ले लेना, वो कहते हैं अपने आप ओरिजिन जहाँ लेना है। तो एक्चुअल में ये जो वेक्टर है ये ओ ए वेक्टर, ऐसा है। तो इमेजिन कर पा रहे हो इसे? ऐसी अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए बी के कोऑर्डिनेट्स को देखूं और अपना आंसर दूं, तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है, यही होगी इसमें। तो ये वैल्यू आ गई ओ बी वेक्टर की। तो एक्चुअल में ये ओ बी वेक्टर ये गिवन है आपको। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि आपको मैं ओ ए वेक्टर दे रहा हूं, आपको मैं ओ बी वेक्टर दे रहा हूं, और आपसे ये पूछ रहा हूं कि चलो बता दो मुझे ए बी वेक्टर क्या है, ठीक। तो डायग्राम देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम को थोड़ा ठीक करते हैं। ये आपके पास ओरिजिन है, सपोज ये आपका ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 -1 एंड 2। ये आपका सपोज बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -1 एंड -3। और ये रहा आपके पास ओ ए वैक्टर, ये रहा आपके पास ओ बी वैक्टर। अब देखने में ठीक लग रहा है। और मेरे को एक्चुअल में क्या गिवन है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, और सपोज ये सी है। तो अगर मैं, या उल्टा भी बोल सकता हूँ कि सपोज इस ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को अगर आप ए बी वेक्टर दे दो, क्या है, अगर आप मुझे क्या दे दो? ए बी वेक्टर दे दो, और आप मुझे साथ में ही ए सी वेक्टर दे दो, ए बी वेक्टर दे दो, ए सी वेक्टर दे दो। तो अगर आप मुझे दो एडजेसेंट वेक्टर देते हो, तो मैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पर मेरे को तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे को ये दो वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, अब यस सर। अगर मैं ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर आपको दे रहा हूं और आपसे क्या पूछ रहा हूं? ए बी वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ए बी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर। तो अब इस केस में क्या करना है? तो अगर ये ए बी वेक्टर है और मुझे ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, एक मिनट, तो इस केस में क्या करेंगे? हाँ, दो दो तरीके हैं देखो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन करने के। अब पहला तरीका ट्रायंगल, और लंबा तरीका, इसमें ये रिजल्टेंट है, आप चेक करो। ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, क्लोजिंग साइड क्या है? ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा? ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसे ही है, राइट। अब आपको ओ बी वेक्टर तो पता ही है, यहां से निकाल लेना आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 -3 k कैप। आपको ओ ए वेक्टर पता है, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा? 3 i कैप माइनस i 3 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। आप दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक शॉर्टकट करवाया था। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो यानी कि आप कहां से कहां जा रहे हो? ए से बी तक, ए से बी तक। तो बी क्या है? फाइनल। ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। तो मैंने आपको क्या रूल करवाया था? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में कौन है? बी। इनिशियल में कौन है? ए। तब ओरली लिख दो ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? शॉर्टकट। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि मुझे तो ए सी वेक्टर चाहिए, तो ए सी वेक्टर में का मतलब है ए से सी तक। तो सी क्या है? फाइनल। ए क्या है? इनिशियल। तो फिर इन्हें माइनस करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये फाइनल है और क्योंकि ये
इनिशियल है। यहां तक क्लियर है? तो अब आपको ओसी वेक्टर पता है, ओए वेक्टर पता है, क्योंकि इसको 4i कैप माइनस 3j कैप k कैप ओसी वेक्टर है, माइनस करके क्या आ गया आपके पास, एसी वेक्टर और एबी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, ए ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, हाफ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक, तो ये इसका आंसर है टेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में डाउट, क्या ये टेस्ट में भी आया था? अच्छा ये नहीं आया था, ओके। ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, ए पता है बी पता है, ए वेक्टर पता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो। कैसे निकाला? इसको लिखा ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और साथ में इसका क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। दोनों साइड का मॉड ले लेना ना, जब दोनों साइड का मॉड लेंगे, ये मैंने मॉड ले लिया तो ये क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो यहां से ए पता है बी पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इलेवेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ। देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ थोड़ा सा आउट ऑफ, मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा टू अर्ली है, हमने टॉर्क नहीं किया। टॉर्क का जब आइडिया ही नहीं है तो टॉर्क लगाओगे कैसे? बस टॉर्क का आपको एक ही फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बस आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है। इस पूरी स्टेटमेंट में आपको कम से कम ये तो पता है कि फोर्स वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस k कैप। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको कि फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट। अब आपको ये नहीं पता, मोमेंट ऑफ अ पॉइंट को भी टॉर्क बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट किसी भी फोर्स का निकालते हैं किसी पॉइंट तो टॉर्क बोलते हैं, लेकिन इट इज टू अर्ली। जब तक टॉर्क का चैप्टर नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन अभी बनता नहीं है करना मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अब आ गया तो उस टाइम थोड़ा टॉर्क खोलेंगे, तो बस ये समझो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है। तो आपको मोमेंट वर्ड आ जाए तो वो टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। इस क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन तो आपको गिवन है, वो क्या कह रहा है, फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ अ फोर्स बाय दिस। तो ये एफ फैक्टर गिवन है, तो इसमें आपको एफ फैक्टर तो कम से कम पता ही है। अब आपको क्या निकालना है, आर वेक्टर। आर वेक्टर जो होता है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, आर वेक्टर इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। आपको क्या गिवन है, आपको ये पॉइंट एक एक पोजीशन ये गिवन है और आपको दूसरी पोजीशन ये गिवन है। तो आप क्या करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से आर वेक्टर निकालोगे, फिर आर क्रॉस एफ से टॉर्क निकालोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने दोनों को माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको टॉर्क पता ही नहीं कैसे निकालना है। तो आइडिया दे दिया मैंने, करना नहीं है, इट्स ओके, छोड़ सकते हैं इसे, बट आइडिया दे दिया कि कैसे इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्टींथ, थर्टींथ हो गया। ठीक है, हो ही गया होगा। नेक्स्ट फोर्टींथ, फोर्टींथ तो पेन भी हाथ नहीं लगाना। लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। राइट हैंड साइड में इसको ओपन करो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ऐसा भाई वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसे ओपन करो, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, ए बी साइन थीटा। आ तो गया आंसर, हो गया प्रूफ, करना क्या इसमें। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था क्या, पेपर टेस्ट में आ गया था ये, चलो पता नहीं, देखो क्या किया मैं, देख बता देता हूं आपको, ये निकालने, ये निकालने का मतलब ए बी साइन थीटा निकालना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है।
इसमें आपको ए कितना गिवन है 10, बी कितना गिवन है 2, लेकिन इसको अगर ओपन करेंगे तो ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 12, ए कितना है 10, बी कितना है 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 12, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 12 डिवाइडेड बाय 20, 6 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो कॉस थीटा पता है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना, कॉस थीटा क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया 4, तो साइन थीटा क्या है 4 बाय 5, तो आ गया फिर ये देखो साइन, ये देखो 2 कट गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 आंसर आ गया। आया किसी का टेस्ट में 16 आंसर? हाँ वैल्यू चेंज ही बात अलग है, मेथड यही किया तो ठीक है, बात बढ़िया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे करेंगे? पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक नया वेक्टर आएगा आई जे के में, फिर क्रॉस सी वेक्टर, दो बार क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, पहले पहले दो का, फिर आंसर आएगा वो सी के साथ, राइट। नेक्स्ट कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, इसमें तो कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय टू, हाँ तो आसान है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, डिवाइड बाय टू, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी क्लियर है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये बताओ कितने लोगों का हुआ हुआ। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर, तो क्या निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या किया? फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, नोट करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, वेयर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज डायगोनल डी वन वेक्टर, दिस इज डायगोनल डी टू वेक्टर। तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर्स, इन टर्म ऑफ डायगोनल वेक्टर्स टी वन वेक्टर एंड डी टू वेक्टर इज डी वन वेक्टर क्रॉस डी टू वेक्टर डिवाइडेड बाई टू, ये तीन लाइनें लिख लो, कभी काम आएंगी आपको न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला रजिस्टर में इसकी, इसको नोट करो, मैं बताता हूं, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये बताता हूं कैसे आया, डायगोनल की फॉर्म में एरिया कैसे निकलता है पैरेललोग्राम का भी डिस्कस करते हैं।
चलो देखते हैं, ये लिख लिया आपने फॉर्मूला रजिस्टर में, ठीक। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं कि ये है क्या। वैसे इसका आधा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है प्रूफ, लास्ट असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन था डी डायगनल वाला। देखो कैसे, सबसे पहले जो किया हुआ है वैसे तो, चलो फिर से देखो। ये देखो, ये आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वन वेक्टर, डी टू वेक्टर, ऐसे था। तो इसके अंदर सबसे पहले ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये डी वन वेक्टर, ये डी टू वेक्टर। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो, ये वाला ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये क्लोजिंग साइड डी वन वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ डी वन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई डाउट इसमें? और अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो, मैंने बताया था कि ए वेक्टर, डी टू वेक्टर, तो बी वेक्टर रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो क्या लिखेंगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू डी टू वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो डी टू वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और मैंने कहा था शॉर्टकट याद कर लो कि अगर डी वन वेक्टर, ये डायगनल ढूंढना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर ये डायगनल ढूंढना है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट? याद आ रहा है क्वेश्चन किया था ऐसा। अब एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, हाफ इनटू डी वन वेक्टर क्रॉस डी टू वेक्टर। तो हाफ डी वन वेक्टर क्या है बोलो? डी वन वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्रॉस डी टू वेक्टर क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा बी माइनस ए, ओके ओके ओके, चलो तो यहां से उल्टा कर देते हैं, बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे। तो हाफ इनटू मॉड लगा दिया, ओपन करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब मुझे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर का खुद से लेना है तो आंसर जीरो देगा। अब यहां से काम करते हैं, हाफ इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को उल्टा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑब्वियसली माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मुझे पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इनटू टू ए क्रॉस बी, टू ए क्रॉस बी का मतलब टू इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, टू से टू कैंसिल, तो आंसर आ गया ए बी साइन थीटा, सही है। इसका मतलब फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। आपने ये प्रूफ नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ पैलोग्राम डायगनल की फॉर्म में ऐसा होगा, दैट्स इट। आपसे नहीं पूछेगा, आपको वैसे बता रहा हूं सेटिस्फेक्शन के लिए कि देखो ऐसा आता है, ठीक। सॉरी, डी वन वेक्टर और डी टू वेक्टर का भी याद रखना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, ये डी वन वेक्टर, डी टू वेक्टर, याद रखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को याद हो गया पिछली, वैसे 20 साल से मेरे को भी याद नहीं था, और पिछली बार ही मैंने शॉर्टकट बनाया। हर बंदा हर साल नई चीज सीखता है ना बंदा, तो लास्ट ईयर जब मैं असाइनमेंट सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा सही शॉर्टकट है, और मैंने एक और शॉर्टकट बनाया वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने आज तक यूज नहीं किया वो, मैंने अभी नया नया ऐसे ही बस करते करते देखा, मैंने कहा लग गया है तो यार, तो हर बार मैं यही लगा रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है, याद करने का नहीं, अपनी प्रैक्टिस होती है ये। तो अभी जैसे बहुत सारी साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन हर बार ट्राइंगल्स ही करता हूँ, अननेसेसरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, अब मैं अननेसेसरी पहले हर बार डायग्राम बनाऊँ, फिर डी वन वैक्टर, डी टू वैक्टर, दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है वो याद ही हो गया, डी वन वैक्टर पता है कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, और दूसरा फिर माइनस ही होने वाला है, मर्जी आपकी, याद कर सकते हो कर लो, नहीं करते ये तो ट्राइंगल आपके साथ हमेशा रहेगा ही, ये तो आप बना ही लोगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है? यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट तो याद करना ही पड़ेगा कैसे आया। सर, वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, मेरे हिसाब से ना ये आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर डायगनल है तो सीधा आंसर करना है इसमें, एरिया ऑफ पैलोग्राम अगर इसमें कर, मैं लिखा हुआ है हाफ इंटू डी वन वैक्टर क्रॉस डी टू वैक्टर का मॉड लगा देना, तो इसके अंदर हाफ इंटू
हाफ इंटू डी वन या आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड बाई टू कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है।